Hi everyone, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well. तो आज की वीडियो है होममेड टेंट के ऊपर, जो कि मैंने अप्लाई भी किया हुआ है अपने चीक्स पे। तो चलिए जी इंग्रेडिएंट्स की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम एलोवेरा जेल लेंगे। एलोवेरा जेल हमको फ्रेश नहीं लेनी है, हमको जो मार्केट में अवेलेबल होती है ऐसे ट्यूब फॉर्म में, वो वाली लेनी है। उसके बाद हम रेड फूड कलर लेंगे। ये जो रेड फूड कलर है आपको कहीं से भी मिल जाएगा और ये लिक्विड फॉर्म में है। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में है तो आप उसको पहले लिक्विड में कन्वर्ट कर लें, या मैं प्रेफर करूँगी कि आप लिक्विड फॉर्म में ही ले लें तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद हमें चाहिए रोज़ वाटर और लास्ट हमें चाहिए ऑयल। आप कोई भी ऑयल ऐड कर सकते हो, जो भी आपको पसंद हो। ऑलिव ऑयल ऐड कर लो, 24 की सीरम ऐड कर लो, और मैं पर इसके अंदर करूँगी पैराशूट का कोकोनट ऑयल ऐड। तो अब जी चलते हैं टेंट की तरफ। मैंने हाफ स्पून एलोवेरा जेल ले लिया है। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो पतली हो जाए, थोड़ी क्रीमी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो मैं आ गई हूँ बाहर, क्योंकि यहाँ पे लाइट ज़्यादा अच्छी आ रही है। तो नेक्स्ट हम इसके अंदर ऐड करेंगे रोज़ वाटर के 4 स्पून्स। इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा एलोवेरा जेल है और जो रोज़ वाटर है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। तो इसको 20 सेकेंड्स तक आपको अच्छे से मिक्स करना है। तो अब हमारी बारी आती है कोकोनट ऑयल की। आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। तो इसके अंदर हम यूज़ करेंगे ऑयल, एंड जो कोकोनट ऑयल होता है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, आपको भी पता होगा। तो इसके अंदर हम जो है किन के मेक श्योर काउंट करके 4 ड्रॉप्स डालेंगे ऑयल की। 1, 2, 3, 4। अगर आपकी एक्स्ट्रा ड्राई स्किन है तो आप 6 ड्रॉप्स ऐड कर सकते हो। अगर कॉम्बिनेशन स्किन है मेरी तरह तो 4 ड्रॉप जो है वो एकदम ठीक है। अब आता है हमारा सबसे मेन इंग्रेडिएंट, जो कि है रेड फूड कलर। और जब ये एलोवेरा जेल, रोज़ वाटर और हमारे ऑयल के अंदर मिक्स होगा तो बहुत ही सुंदर सा पिंक सा कलर देगा। तो इसके अंदर हम डालेंगे 1/2 स्पून कलर की। मेक श्योर कि आप हैंड कवर कर लें, हाथ पे नहीं करना चाहिए, गिर भी है तो कोई नहीं, यू कैन वॉश योर हैंड विद सोप। आधे घंटे बाद यूज़ करें आप इसको, ताकि इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो अच्छे से मिक्सअप हो जाएं। और इसके बाद आप इसको एक बॉटल के अंदर स्टोर कर सकते हैं, और जब भी यूज़ करें तो बॉटल को शेक कर लें पहले, उसके बाद ही। तो जी टिंट अप्लाई करने से पहले आप अपने फेस को प्राइम कर लें, प्राइमर यूज़ कर लें, ताकि जो हमारा टेंट है वो काफ़ी देर तक स्टे कर सके। तो चलिए अब इसको लगा के देखते हैं कैसे लगता है। देखिए कितनी नेचुरल सी लुक आ रही है, और ये निशान भी नहीं छोड़ेगा क्योंकि हमने इसके अंदर जो ऑयल ऐड किया है। आप इसको ब्यूटी ब्लेंडर से भी ब्लेंड कर सकते हैं, बट मेरे को अपनी फिंगर ज़्यादा सूटेबल लगती है, उससे ज़्यादा अच्छे से ब्लेंड हो जाता है। थोड़ा सा नोज पे भी एंड चिन पे भी। ये मैं 6 महीने से यूज़ कर रही हूँ
और आप लोग यूज़ करोगे तो वाकई ही आपको अच्छा लगेगा। ये बाहर से तो लेने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो टेंट है कहीं नहीं जाएगा ये 5 से 6 घंटे। सो या दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू गाइस लाइक इट। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। या आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो।